कोई ने प्रश्न किया है? ये तो पक्का है कि बाबा हम यही चाहते हैं कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें। हमारी बहुत लंबे समय की आस चल रही है क्या है कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें, परंतु कर नहीं पाते। क्यों? अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज द विल देयर इज द वे। जहां इच्छा होती है वहां रास्ता निकल आता है। तो हमारी जो इच्छा है कि हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके दिखाएं बाबा को, लेकिन क्यों नहीं कर पाते, इसका क्या जवाब होगा? है अरे हाँ, इच्छा तो है, लेकिन पूर्व जन्मों का जो पापों का बोझ है वो जब तक नहीं उतरेगा, जिन जिन आत्माओं के साथ हमने पाप किए हैं और पाप करके सुख भोगा है, तो वो आत्माएं हमको छोड़ देंगी है कि माया रावण के रूप में सामने आ जाएंगी, कहेंगे कहां जा रहे हो, पहले हमारे से तो निबट लो। हाँ जी, तब भगवान की बनाई हुई दुनिया के तुम सुख लेना तो 63 जन्मों का जो पापों का बोझ है, हिसाब किताब है, वो पूरा चुकतू नहीं हो जाता है तब तक हमारे तीव्र पुरुषार्थ करने की जो इच्छा है, अच्छा पुरुषार्थ करने की इच्छा है, वो पूरी नहीं होगी। और हैं 47 में ब्रह्मा बाबा को साक्षात हुआ, 47 में हाँ हाँ उनको 87 में सौ साल हो गया। हाँ जी, अमावस्या हो गया। अरे जब पूरा तमो प्रधान बनता है, जिस सेकंड पूरा तमो प्रधान बनता है तो नरक होता है यह स्वर्ग होता है? नरक। ब्रह्मा की 100 साल आयु कहाँ पूरी होती है? नरक में पूरी होती है। तो नरक उसका जब पूरा होगा ब्रह्मा का, तो कहाँ पहुँच जाएगा? है 10 साल गर्भ में जाता है। हाँ, गर्भ में जाता है। सतो प्रधान बनने के लिए नहीं, वो तो गर्भ में जिस सेकंड पहुंचा उसी सेकंड गर्भ महल में पहुंच गया। वहां गर्भ जेल का नाम निशान नहीं है। हाँ, 40 साल लगता है राजा क्यों 40 साल क्यों बोला क्या
कौन सी मुरली में बताया कि 40 साल लगते हैं शतोपटांग बनने में? हाँ वो 40 साल गिनाओ। 97 से 40 साल क्यों गिनाए गए? मैंने गर्भ में है तो वहाँ क्या सुख नहीं है? अरे गर्भ में क्या अभिमन्यु जैसी आत्माएं पढ़ाई नहीं पढ़ लेती है? हैं? गर्भ में भी पढ़ाई पढ़ लेती है? राजा ही 10 साल क्या करता है गर्भ में? हैं? गर्भ से बाहर आने के बाद 97 में 97 में माने 27 में घर से बाहर आता है? नहीं तो हम 97 में आ सकता है। 97 में घर से बाहर आया फिर 40 साल लगा उसको। 40 साल 40 साल क्यों लगा है? हाँ? पढ़ाई के लिए कितने साल बताए? 40 साल बताया। और राजधानी स्थापन होने के लिए कितने साल बताए? 60 साल। राजा ही स्थापन हो जाती है और 27 में किसी मुरली में बताया कि 27 में राजा ही स्थापन होती है, राजधानी स्थापन होती है, राजा तैयार होता है? बताया माता जी तो बता रही है। और सही सही देख लीजिए सर। 27 में 40 साल खत्म होता है। हाँ तो 40 साल की गिनती है सतयुग के देवतावर्ण की आत्माओं की शूटिंग के लिए। 40 साल पूरे होते हैं 76 में। 40 साल पूरे होते हैं फर्स्ट आदि ब्रह्मा के लिए। आदि ब्रह्मा की 7 साल की एज सन 36 में। सन 36 में 7 साल में 40 साल ऐड कर दिए। कौन सा सन आया? 76 आया। उस 76 में आदि ब्रह्मा तो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाते हैं। वो 40 साल है वहां आदि ब्रह्मा तो विष्णु बन गया माने लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया। वो लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्ष का रूपी जन्म होना माने विष्णु का जन्म हुआ। मुरली को सुनने में और समझने में भी गलत फहमियाँ होती हैं। जो 40 साल बताए गए हैं वो मुरली में वाक्य क्या है 40 साल के लिए? वो वाक्य को पकड़ना है। ब्रह्मा की 100 साल, संगम युग के 100 साल,
और 40 साल, 50 साल और 60 साल, ये बातें हैं, ये अंक। हाँ में अमावस्या बन गई और 87 से चंद्रमा बड़ा होना शुरू भी होता है, उसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई, कृष्ण वाली आत्मा की पढ़ाई शुरू हो गई। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि चंद्रमा वाली आत्मा सदैव ही शंकर के मस्तक पर विराजमान हो, और शास्त्रों में भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि चंद्रमा सदैव मस्तक पर विराजमान रहता है। तो 87 से मस्तक पर विराजमान हुआ, लेकिन ब्रह्मा वाली आत्मा के लिए लागू होता है 50 साल ऐसे हैं जिनमें उस आत्मा को अपना शरीर नहीं मिलता। क्या अपना शरीर माना? हाँ, अथॉरिटी। 69 में शरीर छोड़ा, 69 में शरीर छोड़ने के बाद 50 साल ऐड किए तो आया 2018। 2018 में उस आत्मा का अपना मुकर्रर रथ है, वो इधर उधर दूसरे बच्चों में उसको भटकने की दरकार नहीं है। वो संपन्न स्टेज बन गई विष्णु की, माने विष्णु का राज्य तभी से शुरू हो गया। कब से? जब से ब्रह्मा के वो 50 वर्ष पूरे होते हैं। ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हुए और विष्णु का राज्य शुरू हो गया। अब विष्णु रूप में 5 आत्माएं आती हैं, राम सीता की भी आत्मा है, राधा कृष्ण की भी आत्मा है और जगदम्बा की भी आत्मा है। ये पांचों आत्माओं में 4 भुजाओं के रूप में है, 2 लेफ्टिस्ट भुजाएं और 2 राइटियस भुजाएं। जो लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं उनमें पत्नी को रखा जाता है, जब शादी हो जाती है तो स्त्री को किस अंग में रखा जाता है? लेफ्ट अंग में। वो चाहे सीता वाली आत्मा हो या राधा वाली आत्मा हो, दोनों ही आत्माएं विष्णु की भुजाओं के रूप में, चाहे ऊपर की भुजा हो, पवित्रता के आधार पर बुद्धि ऊपर ले जाने वाली, और चाहे नीचे की भुजा हो, इम्प्योरिटी के आधार पर बुद्धि नीचे ले जाने वाली, एक है महागौरी और एक है महाकाली। महाकाली है असुरों को नीचे ले जाने के लिए, जाओ पाताल लोक में राज्य करो। असुर कहाँ जाए? पाताल लोक में राज्य करो। और महागौरी का पार्ट क्या है? जो देव आत्माएं हैं, जाओ स्वर्ग लोक में सुख भोगो।
तो ये तो दो भुजाओं का काम हो गया, बाकी है राइट साइड की दो भुजाएं, जिनमें एक है ऊपर क्या है, चक्र, जो चक्र है काहे का चक्र है, ज्ञान का चक्र है। वास्तव में ये ज्ञान का चक्र शुरुआत किसने की है, ओम राधे मम्मा ने शुरुआत की। ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं आया कि शिव ज्योति बिंदु है, जैसे हम आत्माएं ज्योति बिंदु निराकार हैं, वैसे आत्माओं का बाप भी क्या है, ज्योति बिंदु है। पहले लिंग को ही याद करते थे, आग के गोले को ही याद करते थे, उसी को भगवान समझते थे। भक्ति मार्ग में भी लिंग के बड़े रूप को याद करते हैं, या लिंग के अंदर समझते हैं कि इसमें बिंदी बैठी हुई है, बड़ा रूप को याद करते हैं। तो मम्मा ने असली ज्ञान की मंथन की शुरुआत की, ये चक्र बुद्धि में चला और नई बात निकाली। मम्मा का प्रैक्टिकल जीवन भी ब्रह्मा बाबा के विपरीत आचरण करने वाला था या विष्णु के समान था, विष्णु के समान, यही विष्णु के समान आचरण वाचा में कर्मणा में उनका मन संचलाय देता है और ज्ञान का बीज बो दिया सभी ब्राह्मणों की बुद्धि में कि लिंग भगवान नहीं है, क्या है भगवान, लिंग के अंदर बिंदु भी चाहिए, लिंग है साकार बड़ा रूप और बिंदु है निराकार, दोनों का कॉम्बिनेशन है शिव बाबा, बिंदु का नाम है शिव और लिंग का नाम है बाबा, ये चक्र चल गया। तो विष्णु के हाथ में चक्र दिखाया गया और चौथा हाथ है गदा, क्या गदा शार्प होता है या शार्प होने के विपरीत होता है, है? शार्प नहीं होता है, ज्ञान की कटारी ज्ञान की तलवार शार्प होती है और गदा शार्प नहीं होता है। तो वो विकारों का हनन करने के लिए ब्रह्मा बाबा की ज्ञान कटारी की बुद्धि ज्ञान की तलवार नहीं चलती थी, क्या ड्रामा पक्का था, और ड्रामा पक्का होने की वजह से हर बात बुद्धि में जो हुआ तो ड्रामा, हिलते नहीं थे वो, उनका ज्ञान का गदा निश्चय बुद्धि अटल था कि हमको कृष्ण बनना ही बनना है। तो निश्चय बुद्धि भी जैसे वो आत्मा कृष्ण बनती है, कब बनती है, है? वो आत्मा कृष्ण कब बनती है, जो भक्ति मार्ग में राम वाली आत्मा के मुकाबले कृष्ण की उपासना ज्यादा देखी जाती है भारतवर्ष में और दुनिया में भी,
कृष्ण को मानने वाले ज्यादा हैं या राम को मानने वाले ज्यादा हैं? राम को मानने वाले ज्यादा हैं। है? 2500 वर्ष में कृष्ण की उपासना ज्यादा चली है भारत वर्ष में या राम की उपासना ज्यादा चली है? है? कृष्ण की चली है। तो फाउंडेशन संगम युग में पड़ा होगा या सतयुग की बात है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ जाता है तो टाइम तो चाहिए। इसलिए कहते हैं कि विष्णु ही कृष्ण का अवतार लेता है और विष्णु ही राम का अवतार लेता है। ये संपन्न रूप है कृष्ण वाली आत्मा राम वाले मुकरर रथ में प्रवेश करके संपन्न रूप धारण करती है। वो टाइम है पूर्णमासी। क्या? कौन सी मासी? पूर्णमासी। पूर्णमासी कितने दिनों के बाद आती है? है? 15 दिनों के बाद आती है। हर 15 दिन के बाद पूर्णमासी आ जाती है। है? 30 दिन चाहिए। तो सन 87 से लेकर के कौन सा वर्ष अनुदा हुआ है जो 30 पूरे हो जाएं? कौन सा वर्ष है? अरे 87 में कितने जोड़े हैं? 2018। ये 18 का बहुत महत्व है। महाभारत में भी 18 का बहुत महत्व है। ये 30 दिनों के बाद जैसे एक दिन में आधा टाइम रात्रि होती है अज्ञान की और आधा टाइम दिन होता है, ऐसे ही ये 30 वर्ष जोड़े गए हैं। इन 30 वर्षों में वो कृष्ण की आत्मा राम वाली आत्मा के साथ ही विष्णु रूप बन जाती है। ऐसे नहीं 2027 में जाके बनेगी। और ब्रह्मा फरिश्ता है तो फिर चंद्र में बुला रहे से जाता है ना फरिश्ता? जब फरिश्ते की दुनिया से रिश्ता नहीं है, पहले फरिश्ता राम वाली आत्मा बने या पहले बच्चा बन जाएगा? फिर अरे समझने की बात है, पहले समझदार फरिश्ता ही स्टेज धारण करेगा कि जो बच्चा बुद्धि है वो फरिश्ता ही स्टेज धारण करेगा। तो पहले राम वाली आत्मा संपूर्ण फरिश्ता बने, भले शरीर में रहते हुए भी देह और देह के संबंधों से बिल्कुल उपराम, तब बाद में कृष्ण वाली आत्मा बने। हाँ तो किसके लिए बोला? राम बने। बिल्कुल, जब तक पूरा निराकारी न बने तब तक पार्ट कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? अरे निराकारी स्टेज धारण करे तभी तो पार्ट प्रत्यक्ष हो। बाप समान पुरुषार्थ बने नहीं, बाप है बिंदु और वो बिंदु समान निराकारी स्टेज का पुरुषार्थ ही न बने तो आत्मा का पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा? बना है। हाँ तो बना है। 76 में राम वाली आत्मा
संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है या नहीं, मन बुद्धि के आधार पर, प्रैक्टिकल शरीर से नहीं होती है। यज्ञ के आदि में साकारी स्टेज थी, साकार से आकारी बना, 69 में मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लग गई, कौन किसकी, बाप की, बाप साकार से आकारी बना 69 में, आकारी से 76 में निराकारी, फिर साकारी बनेगा कब, 76 में निराकारी बना, निराकारी बने माने संपूर्ण बने, संपूर्ण बने तो संसार के सामने या ब्राह्मणों के संसार के सामने पार्ट प्रत्यक्ष हो। प्रैक्टिस पूरी हुई ही नहीं राजयोग की और पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा, हो जाएगा नहीं तो हाँ, मन बुद्धि की बात है, मन बुद्धि के आधार पर ही शूटिंग होती है रुद्रमाला की, इसलिए कहें कि जो नए कल्प की शुरुआत हुई है वो ब्राह्मणों की दुनिया में कब से होती है, दो कल्प हैं, 5000 वर्ष का कल्प इधर, 5000 वर्ष का कल्प इधर, 2 कल्प है, 5000 वर्ष, 5000 वर्ष, संगम युग नुदा हुआ है, तो जो संगम युग है जरूर कहेंगे 5000 वर्ष इधर, 5000 वर्ष में से 50 वर्ष इधर और 50 वर्ष इधर। हाँ, तो कृष्ण वाली आत्मा के लिए है सारा साज, सारी पढ़ाई किसके लिए, कृष्ण वाली आत्मा के लिए सारा मदार रुका हुआ है, तो कलयुग उसका अंत कब होता है, 87 में कलयुग अंत हुआ, 50 वर्ष पूरे हुए, अब 87 के बाद 50 वर्ष और ऐड कर दो है 36, ये 50 वर्ष हो गया सत्ययुग, माना 87 से ही कृष्ण वाली आत्मा गर्भ महल का अनुभव कर देती है शुरू, वो आत्मा दुखी नहीं हो सकती, ये 50 वर्ष शुरुआत हुई उस आत्मा के लिए, कौन से बात की शुरुआत, नहीं नए महीने की शुरुआत हुई, क्या पहले आता है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष है, अरे जब महीना शुरू होता है तो पहले कौन सा पक्ष होता है, हाँ? पहले शुक्ल पक्ष होता है, हाँ? अरे जब नया महीना शुरू होता है, हाँ? कृष्ण पक्ष पहले होता है, तो जब कृष्ण पक्ष की शुरुआत हुई 87 से, चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, नहीं नहीं चंद्रमा जो है वो गर्भ महल में था आदि में और धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो अमावस्या आएगी या नहीं आएगी, शूटिंग के हिसाब से, वो शूटिंग के हिसाब से अमावस्या कब होती है, 2018 है नहीं,
अरे 87 में वो गर्भ महल में बड़े आराम से था, एक सेकंड में ब्रह्मा तो क्या बन गया है, विष्णु जैसी स्टेज में आ गया। तो फिर वहां से धीरे धीरे शूटिंग शुरू होती है, तो शूटिंग में वो नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा है, नीचे गिरता है धीरे 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 धीरे, कलाएं कम होती गई। जैसे हम बच्चों की एडवांस पार्टी में ब्राह्मणों की दुनिया में कलाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है या बढ़ रही है, दिव्य गुण बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं है? क्या हो रहा है? घट रहे हैं। तो कृष्ण की आत्मा भी घटती कला में शूटिंग होती जाती है। तो अमावस्या कब हुई है? अरे अमावस्या कब कहे? अरे शूटिंग पीरियड तो सारा सामने है। 2018 शूटिंग पीरियड जो घटती कला में ले जाया जा रहा है, वो घटती कला घटते 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 ब्राह्मणों की जो एडवांस पार्टी की शूटिंग हो रही है, मन बुद्धि नीचे उतर रही है, वो नीचे उतरने के कलयुगी की कलयुग की शूटिंग की आखिरी तह कब तक आई? 2003। कितने वर्ष हुए है? है? कितने वर्ष हो गए? 87 से लेकर 87 से लेकर के 2003 तक 6 वर्ष हुए। कितने वर्ष हुए? 15 वर्ष हो गए। आधा टाइम हो गया। तो अमावस्या आई या पूर्णमासी आई? क्या आई? अमावस्या आई। 2003 और 2004 रुंग का वर्ष। जो भी एडवांस पार्टी है वो सब नीचे की ओर गई। ब्रह्मा की आत्मा भी तामसी स्टेज में चली गई। अब फिर दो मूर्तियों की शूटिंग पूरी हुई या नहीं हुई? अरे ब्रह्मा पहली मूर्ति उसकी शूटिंग पूरी हुई कब? 76 में। और 76 से लेकर के 2003-04 में शंकर जी दूसरी मूर्ति है उसकी भी शूटिंग पूरी होती है मन बुद्धि के संकल्पों के आधार पर। अब चंद्रमा वाली आत्मा ऊपर चढ़ेगी, ज्ञान प्रकाश बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा है? बढ़ता जाता है। तो चंद्रवंश में जहां से राधा को उदय होना है वहां एडवांस ज्ञान की नई दुनिया का फाउंडेशन डालने की सेवा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ना शुरू हो गई। अव्यक्त वाणी में बता दिया कि पहले पहले जो सेवा शुरू की है सारे ब्राह्मण परिवार के बीच में वो अफ्रीका ने शुरू की है, और दूसरी तरफ ये भी बोल दिया कि तुम बच्चों के लिए नई दुनिया का फाउंडेशन भी डाल दिया। उस नई दुनिया में, नई दुनिया के उस संगठन में, संगठन रूपी किले में तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, तुम बच्चे, तो
तीसरी मूर्ति का पाठ शुरू हुआ या नहीं हुआ है? शुरू हो गया। 30 साल, 30-33 साल और 30-33 साल, ये टाइम नुदा हुआ है तीनों मूर्तियों के लिए औसतन। तो वो टाइम 2004-2005 से तीसरी मूर्ति जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है, प्रैक्टिकल आधार पर नई दुनिया का संगठन रूपी किला तैयार होना शुरू होता है, वो फाउंडेशन पड़ने लगा। कृष्ण वाली आत्मा प्रकाश बढ़ रहा है, पूर्णमासी की ओर बढ़ रही है या अमावस्या की ओर बढ़ रही है? पूर्णमासी की ओर बढ़ रही है। जो भी सर्विस होती है नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए, वो बाप दादा वाली आत्माएं करती है, कोई दूसरा करता है? बाप दादा वाली आत्माएं करती है। और बाप दादा दोनों ही मूल हैं इंस्पिरेटिंग पार्टी और प्लानिंग पार्टी के। जो इंस्पिरेटिंग पार्टी का मूल ब्रह्मा बाबा है दादा, वो रुद्रमाला में भी प्रवेश करता है और विजयमाला के मणकों में भी प्रवेश करता है। वहां नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जा रहा है, प्रैक्टिकल में डाला जा रहा है। राधा वाली आत्मा पहले रुद्रमाला के मणकों के बीच में प्रत्यक्ष होगी या विजयमाला के जो मणके हैं उनके बीच में पहले प्रत्यक्ष होगी? जो विजयमाला के मणके हैं, जो चंद्रवंशी हैं, वो पहले पहचानेंगे? पहचान रहे हैं। जब राधा बड़ी हो जाए, राधा और कृष्ण का गार्डन में मिलना शुरू हो जाए, होता है ना भारतीय परंपरा में, दो का जब मेल होता है तो टीका लगाते हैं, तो कहते हैं लगन लगाओ, जिसका इशारा दे दिया बाबा ने, विजयमाला का आवाहन करो। अब नंबर वार करेंगे या सब एक साथ करेंगे? नंबर वार ही करेंगे। तो आवाहन होते 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 आखिर ना आवाहन होगा या नहीं होगा? होगा। लक्ष्मी का पूरा ही आवाहन हो जाए, माने लक्ष्मी नारायण मिलकर के एक हो जाए, स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए, उधर राम और कृष्ण की आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाए, महागौरी और महाकाली के संस्कार मिलकर के एक हो जाए, तब कहेंगे विष्णु के राज्य की शुरुआत। संबत 1111 की शुरुआत होगी। ये 2027 में होगी है? कहाँ होगी? चारों पांचों आत्माएं संस्कारों से मिलकर के एक पार्ट बजाने लगे। एक ने कही और दूसरे ने मानी। संकल्प में भी विरोध का बीज न पड़े,
यहाँ क्या होता है? एक एक बात कहता है, फट से दूसरा, ये बात नहीं हो सकती, तो विरोध पहले पैदा हो जाता है। विरोध का बीज पड़ गया, सफलता हो ही नहीं सकती। तो नई दुनिया की शुरुआत होगी, स्वर्णिम संगम युग शुरू होगा, वो पारिवारिक पहली इकाई शुरू होगी। उसके हैं पूर्णमासी कहेंगे या अमावस्या कहेंगे? है पूर्णमासी कहेंगे। चंद्रमा संपूर्ण बनेगा और बच्चा संपूर्ण बनेगा, तो विरोध है फादर सोर सन और सन सोर फादर। बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करे, बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करे, और बाप ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो तो उसकी निशानी भी देखने में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? है आनी चाहिए। वो ही माउंट आबू जहां पहले सनसेट पॉइंट की यादगार थी, क्या चंद्रमा वो सूर्य अस्त हो गया, उदय की यादगार नहीं थी। वहीं 2004 के बाद सरकार की ओर से फाउंडेशन पड़ गया, किस बात का? सनराइज पॉइंट। और 2018 में उसकी प्रत्यक्षता भी हो जाएगी। अभी तैयारी चल रही है, एडवांस पार्टी का भी जमावड़ा, सूर्य की किरणों का जमावड़ा, जो सूर्य के स्टार रूपी बच्चे हैं उनका जमावड़ा माउंट आबू में शुरू हो गया, जिनके लिए मुरली में बोला है ये दिलवाड़ा मंदिर तुम बच्चों की यादगार है, वही तुम्हारी यादगार बनी हुई है और वही तुम देखो तपस्या में बैठे हो कि वहां ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं तपस्या में, है दिलवाड़ा मंदिर के आसपास बैठे हैं क्या? वहां उनका जमावड़ा जम रहा है क्या? वो करोड़ों रुपए भी खर्च करना चाहें तो भी वहां के जो दिलवाड़ा मंदिर के बासिंदा हैं वो इतना घृणा करते हैं उनसे कि उनको जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं है। हम वर्षों वर्ष आपके साथ रहेंगे, साथ सोएंगे, साथ खाएंगे, तो हम आपके जीवन चरित्र को नहीं पहचानेंगे? है पहचानेंगे, तो वहां के बासिंदे पहचानते हैं कि ये लोग क्या है। नई दुनिया को बनाने वाले जीवन दान देने वाले हैं या हत्याएं करने वाले हत्यारे हैं और पुलिस को नोटों की गड्डियां दे करके उस हत्या को छुपाए लेते हैं? एक हत्याएं नहीं, ढेर की ढेर हत्याएं, और भ्रूण हत्या तो होती ही रहती है। देदारी दिवाली आ रहा है ना, हाँ दिवाली का केदारी कहा जाता है।
तेरे केदारेश्वरी दिवाली में लक्ष्मी पूजा चलता है ना? हाँ, और एक नाम है केदारी। नॉर्थ इंडिया में तो सुना नहीं, यहाँ चलता होगा। वर्ल्ड का अर्थ क्या है? ऐसा है कि जहाँ बद्रीनाथ है उसके अपोजिट में केदारनाथ भी है। केदारनाथ से यमुना नदी की शुरुआत होती है। क्या? यमुना नदी, काली नदी, और काली और गोरी जब तक दोनों मिलकर के एक न हो जाएं, तब तक राम की राजगद्दी कहो या लक्ष्मी नारायण की गद्दी कहो स्थापन नहीं हो सकती। तो केदारनाथ वो तो पुरुष रूप हो गया, ईश्वर हो गया, और उसकी ईश्वरी कौन हुई जिस नदी की वहां से यादगार शुरू होती है? यमुनोत्तरी, यमुना वहां से उतरी। कहां से उतरी? केदारनाथ। तो केदारेश्वर है, तो केदारेश्वरी भी होगी। और दशहरा के दिन, दशहरा के दिन क्या होता है? अमावस्या। सफेद पेठा को लेकर के क्या करते हैं? नजर उतारते हैं दक्षिण भारत में है? हाँ, जैसे नारियल को फोड़ते हैं। अच्छा, तो जैसे नारियल को फोड़ते हैं वैसे क्या करते हैं? पेठा को कहाँ फोड़ते हैं? मंदिर में ले जाके है? वो अपने दरवाजे के सामने रखते हैं। हर एक अपने घर के सामने, दुकान के सामने, घर के सामने भी, मंदिर के सामने भी। पहले थोड़ा थोड़ा विचार करो। दादियाँ हद में ही बोला है या बेहद में भी है? अरे इसीलिए आपकी बुद्धि में नहीं आता अर्थ। आपकी बुद्धि क्या हद में ही चली जाती है ब्रह्म कुमारियों की दीदी दादियों की तरफ? उनको तो हम क्यों उनको फॉलो करेंगे? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। कुमारका की बात करेंगे तो हमारी बुद्धि में कौन सी कुमारका आएगी? है बेहद की कुमारका आएगी? रमेश की बात करेंगे तो हमारी बुद्धि में कौन सा रमेश आएगा? जगदीश की बात करेंगे तो हमारी बुद्धि में कौन सा जगदीश आएगा? निर्वैर की बात करेंगे तो हमारी बुद्धि में कौन सा निर्वैर आएगा? वेद का आएगा। वहाँ के जो ग्रुप बैठा है हम लोगों के लिए तो वो तो
समझते हैं ना, ये वही दादी दीदी को फॉलो करना। दुनिया क्या समझती है, हमें दुनिया की बुद्धि को देखना है। यह हमें बाबा ने जो बुद्धि दी है उस बुद्धि उस नेत्र के आधार पर देखना है। हम तो ठीक समझेंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। दुनिया तो गड्ढे में जा रही है, हमें मालूम है दुनिया वालों के गुरु कौन है, हैं? विष्णु भगवान गुरु हैं, हैं? अरे दुनिया वालों के गुरु हैं देहधारी गुरु, और हमारा गुरु है सदगुरु। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? देहधारियों को फॉलो करने वाले वो तो गड्ढे में जाने ही जाने हैं। और ब्रह्मा की आत्मा बोल रहे हैं ना क्या? हाँ, ब्रह्मा की आत्मा जो बोल रही है, बड़े बड़े कवियों ने जो कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं को, और बड़े बड़े एक्टर्स जो हुए हैं उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं पुरानी पुरानी, उनमें जो गीत आए हैं पुराने पुराने, वो उसने बनवाए हैं ड्रामा प्लेन अनुसार या उन्होंने खुद बनाए हैं? उसने बनवाए, ड्रामा अनुसार बने हुए हैं, इसलिए वो सब हमारे अर्थों से लक्षित हैं। हम उनका अर्थ अपने तरीके से लगाएंगे। ब्रह्मा बाबा जो कुछ भी बोलते हैं या कवियों ने जो कुछ भी लिखा वो सात्विक स्टेज में लिखा है या तामसी स्टेज में लिखा है? सात्विक स्टेज में लिखा है। तो ब्रह्मा की सोल भी शिव बाप की याद में रह करके बोलती है या मनुष्यों की याद में रहकर बोलती है? तो सच्चा बोलेगी झूठ बोलेगी, हद में बोलेगी बेहद में बोलेगी? बेहद में बोलती तो कोई बिकिल हो गया ये बात तो पूछ रहे थे, हम क्या कह रहे हैं? कोई बिकिल हो गया बात तो पूछ रहे थे, हाँ उनसे क्या कह रहे हैं? उनसे कहो आओ हम तुम्हें बैठ के पढ़ाई पढ़े, वो कान बंद करेंगे अल्लाह हो अकबर, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? और गीता पाठशाला और निबंधन का वर्किंग कंडीशन के बारे में थोड़ा संशय है। क्या गीता पाठशाला और निबंधन? हाँ हाँ थोड़ा संशय है। क्या ये बाबा मुरली में और अव्यक्तवाणी में बोलता है ये टाइम को आना है और बच्चों से आना है, सारी मुरली को सुन करके करना है। बाबा श्रीमत देता है ना, तुम अपनी बात कन्नड़ में बोल दो फटाफट, जल्दी बोलो कन्नड़ में, जल्दी से बोल दो स्टार्ट करके। बाबा आगरा में, हाँ कर्नाटक में बहुत बड़ा है ना जल पड़ा है, उनकी बात छोड़ दे इनको सोचने दे। अच्छा हाँ हाँ कृष्णा नदी में फ्लड हो गया, वो तो नदियों में फ्लड आता ही रहता है, कोई नई बात थोड़ा ही है। हाँ हाँ कर्नाटक में मुख्य कौन सी नदी बहती है? हाँ? अरे मुख्य नदी कौन सी है? कावेरी। क्या
जो मुख्य नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा। में क्या हुआ? अरे कावेरी में तुंगभद्रा क्या बोला? हाँ तुंगभद्रा भी नदी है। हाँ हाँ तुंगभद्रा में ज्यादा फ्लड हुआ है। वो फ्लड कृष्णा नदी में आ गया। वो भी हुआ है, ये भी हुआ है। नहीं, कर्नाटक में बहने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी का फ्लड नहीं है? कृष्णा नदी का भी हुआ है। तुंगभद्रा का जो असर है वो कावेरी में नहीं आया? मंदिर पूरा चले गया। भद्रावती का मंत्रालय ठीक है। आगे पीछे की हिस्ट्री सोचनी पड़ेगी। बोलो बोलो, यहाँ पे चिट्ठी आ गई, टाइम हो गया। पंचुअल आना है और कलेक्टर को आना है। आने वाले पहले ही साइन करना चाहिए ना। लेकिन थोड़ा टाइम मेरे जो आइडे होता है एकदम लास्ट साइन कर रहा हूँ, वो गलत है सही है? बार बार ऐसे नहीं कि बहुत ऐसे नहीं कि एक बार, बार बार आपको ये अड़चन पैदा होती है कि हमारा नंबर बाद में साइन करने में क्यों आता है? आता हूँ पहले, क्लास में आता हूँ पहले और मेरे को साइन करने दिया जाता है बाद में। है एकदम लास्ट में मेरा नंबर डाल देते हैं। है वो गीता पाठशाला की बात कर रहा है, मिनी मधुबन की नहीं? यहाँ भी ऐसे ही है। अरे बाप रे, तो पक्का समझो लास्ट सो पास। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। ये तो गायन है भक्ति मार्ग में भगवान के लिए कि जो मुंह के मुंह को होते हैं, गूंगे होते हैं, वो भाषण देने लग पड़ते हैं। क्या जो बिल्कुल बोलना नहीं जानते, यहाँ ऐसे बहुत बैठे होंगे, कर्नाटक की बहुत सी ऐसी कन्याएं माताएं होंगी जो पहले हिंदी में बिल्कुल गूंगी थी, अभी ज्ञान में भाषण दे रही है। तो मुकम करोति वाचालम एक सच्चा साबित हो गया। पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा है वो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को भी क्रॉस कर जाता है। नहीं तो लंगड़ा जो है वो सामान्य चाल भी नहीं चल पाता, सामान्य रास्ता भी तय नहीं कर पाता। और लंगड़े के कहो कि पहाड़ क्रॉस कर जाओ तो कर जाएगा? नहीं करेगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है कि रुद्रमाला के जो भी लंगड़े हैं
वो ऊंचे से ऊंची कैलाश पहाड़ जैसी स्टेज को भी त्रास कर जाते हैं। क्यों मरे जा रहे हैं? ये को आप बाबा ने बोला, बाबा ने बोला दूसरों को आगे बढ़ाते रहो, चलो चलो आगे चलो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, खुश रहो। हाँ समाधान हो गया, मछली मारते यात्रा जाते हैं। हाँ वो पहले रामेश्वर, बाद में काशी, फिर रामेश्वर, यानी कि पूर्ण यात्रा कहा जाता है। पहले रामेश्वर, बाद में काशी। रामेश्वर की जो गंगा है हाँ वो ले जाकर के काशी में छोड़ता है, फिर रामेश्वर में छोड़ता है। हाँ सब पूर्ण यात्रा कहा जाएगा। हाँ रामेश्वर है कन्याकुमारी की तरफ, क्या कन्याकुमारी है एकदम दक्षिण में, और ज्ञान के आधार पर भी देखा जाए तो जो कन्याकुमारी का पार्ट बजाने वाली है वो दुनिया के हिसाब से एकदम दक्षिणी देश मैं पुरुषार्थ कर रही है कि उत्तर में पुरुषार्थ कर रही है? हाँ कहाँ पुरुषार्थ कर रही है? दक्षिण अफ्रीका में। तो रामेश्वरम, राम जो ईश्वर का पद पाए लेता है वो अपनी ताकत से नहीं पाता है, कहाँ तक दौड़ लगानी पड़े है? कन्याकुमारी तक। इसलिए विजयमाला का बुद्ध रूपी पांव से आवाहन करो, पांव से आवाहन करेंगे कि नहीं करेंगे? बुद्ध रूपी पांव को चलाएंगे कहां तक चला के ले जाएंगे? कन्याकुमारी तक। हो गया समाधान? वहां जाना पड़े, वहां से जल भर के लाना पड़े, और काशी से जल भरो वहां तक ले जाना पड़े। और मना लेन देन की सब है, लेन देन की सब। हाँ और हाँ तो वो हद की काशी है। हाँ। ये तो बेहद की काशी है, वो हद की काशी जड़ है। हाँ। और ये बेहद की काशी चैतन्य है। हो बहु रिपीटेशन हो रहा है तो अर्जा क्या है? मामा साहब भी उनका भी स्मारक यादगार चलना चाहिए ना। ये कहाँ यादगार संपन्न की मनाई जाती है या अधूरे की मनाई जाती है? मंदिर मूर्ति पूजा संपन्न की होती है या अधूरे की होती है? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? मंदिर क्यों नहीं बनते? मूर्तियां क्यों नहीं बनती? क्योंकि काम अधूरा रह गया, और यहाँ तो काम पूरा होना है। प्रश्न आया है, बाबा जो भी पार्टधारियों की तरफ इशारा देते हैं जैसे काशी माँ, लक्ष्मी माँ, जगदम्बा, यमुना, उन आत्माओं के प्रति रिगार्ड होता है
ईर्ष्या देश तो नहीं होता। क्योंकि पाटदारी ऊंचे हैं तभी तो उनके पाट खुल रहे हैं, परंतु उन पाटदारियों की तरफ इतनी बुद्धि कोई की नहीं जाती है जितनी बाप की तरफ बुद्धि जाती है। ये लिखने वाला जानता ही नहीं क्या कि जो महाकाली के पुजारी हैं उनकी बुद्धि ज्यादा महाकाली की तरफ जा रही होगी या बाप की तरफ जा रही होगी। वो महाकाली के डायरेक्शन को ज्यादा फॉलो करेंगे या बाप की बात को मानेंगे? महाकाली की बात को ज्यादा मानेंगे। ऐसे ही जो जगदम्बा के पुजारी होंगे वो जगदम्बा के पुजारी, सिंगल देवी के पुजारी जगदम्बा की बात मानेंगे, जगदम्बा उनकी बुद्धि में बार बार याद आएगी। जैसे बोला है सन्यासियों के लिए कि सन्यासी गौ मुख में हाथ डालते हैं, एक ऐसा ऐसा कपड़ा होता है जैसे गाय का मुंह लटका हुआ होता है ना, ऐसे ऐसा कपड़ा ऐसा बनाते हैं, उसमें हाथ डालते हैं और माला जपते रहते हैं। वो गौमुख नाम रखा है किसकी यादगार है? है कोई मुख बहुत प्यारा है, देखने में सुंदर है, क्या उसका नाम गौमुख रखा है? माने गायों में श्रेष्ठ बढ़िया गौ है, जिसका नाम मुरली में भी बोला है कमला गौ, तो वो अच्छा मुख वाली याद आती रहती है। भगवान उनको याद नहीं आता, आता है, है? हाथ से माला फेरते हैं, मुख से रम 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 रम, बुद्धि कहाँ चली जाती है? है? बुद्धि कहाँ चली जाती है? गौ मुख की तरफ बुद्धि चली जाती है। ऐसे पुरुषार्थी अभी ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में हैं या नहीं है? है? तो उनके लिए कहेंगे कि वो बाप को ज्यादा याद करते हैं या गौमुख को ज्यादा याद करते हैं? गौमुख को ज्यादा याद करते हैं। तो प्रश्न, कोई गैर अनुभवी है उसने ये प्रश्न डाला है कि जिन जिन पाटदारियों के पाट प्रत्यक्ष होते जाते हैं उनको श्रेष्ठ तो समझते हैं, उनकी तरफ ईर्ष्या देश नहीं होता है, लेकिन उनको याद कोई नहीं करता, बाप को याद करते हैं। तो सबकी ऐसी गति नहीं है। जो पक्के पक्के सन्यासी होंगे वो या तो गौमुख को याद करेंगे, सिंगल देवी को, या तो गंगा को याद करेंगे, गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठेंगे। ऐसे नहीं है कि उनकी बुद्धि बाप की तरफ लटकी हुई होती है। वो बाप का तो और विरोध करेंगे, क्या बाप को प्यार से बैठ करके याद नहीं करेंगे। इसलिए बोला है देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय, जो सिंगल देवी की उपासना करते हैं। क्या हाल है?